स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। और ये वीडियो अब नया नहीं बल्कि सेकंड वीडियो है, ठीक है ना। किसका? साइंस का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, इसमें का बीच वाला हिस्सा ले लीजिए केमिस्ट्री का। इसके पहले वाले वीडियो में आपने रासायनिक एवं अभिक्रिया नामक चैप्टर के पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को देखा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों में भी बहुत शेयर किए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण से जितना ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड लेसन का पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा हर एक टॉपिक से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है पूरा का पूरा दिमाग में फिट करने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, सेकेंड लेसन का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। क्षारक कहिए या भस्म कहिए, नो प्रॉब्लम। अम्ल, भस्म तथा लवण। तो देखिए, इससे जितना ऑब्जेक्टिव है मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को समझिएगा और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है कि खट्टा होता है, ठीक है ना। और सेकेंड नंबर देखिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से, जितना बेसिक जो क्वेश्चन है ना, बेसिक उससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। जो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन किसी को नहीं पता होता है और बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन याद करके जाता है और वहाँ से कहता है कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन उठा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का, यानी जितना भी टॉपिक से क्वेश्चन और आंसर बन जाने वाला है पूरा का पूरा मैं रेडी कर चुका हूँ। यहाँ पर देखा, अम्ल जलीय घोलों में -- आयन मुक्त करते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं? H+ आयन मुक्त करते हैं, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक प्रबल अम्ल कौन सा है। तो प्राकृतिक प्रबल अम्ल, इसके पहले वाले चैप्टर में भी इसका डिस्कस कर चुके हैं, वो है HCl। और मानव निर्मित क्या है, ठीक है ना। मानव निर्मित है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। भस्म की बात करें, भस्म का स्वाद कैसा होता है? भाई कड़वा होता है, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो भाई क्षार कहते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव पिछले ही साल पूछा था, आप रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्राकृतिक प्रबल क्षार क्या है, ठीक है ना। तो कास्टिक सोडा को कहते हैं या NaOH भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, क्षार जलीय घोलों में, क्षार वहाँ अम्ल पूछ रहा था, यहाँ पर क्षार पूछ रहा है, ठीक है ना। वो कौन सा आयन मुक्त करते हैं? तो OH ऋण आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र, जैसे कि पिछले वाला चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न बन रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी हो रही होगी आंसर देने में। तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि आप आंसर भी लगा रहे होंगे या हमारे बताने से पहले आप आंसर पर पूरा कमांड कर चुके होंगे, तो आप मन ही मन आंसर निकाल चुके होंगे। तो यहाँ बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgOH2। यही भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे पूछा जाता है। 9 नंबर प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रबल अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कि थोड़ा देर पहले इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भाई H2SO4 होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मानव निर्मित प्रबल क्षार क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है ना। घुमा फिरा के प्रत्येक प्रश्न जहाँ से क्वेश्चन बन जाने वाला है, एक भी इस लेसन से प्रश्न छूटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा। आप ऑनलाइनर देख करके झुंझवाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद से आंसर में ऑप्शन कोई भी हो, आप सही आंसर के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइनर आपके दिमाग में फिट हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो भाई लवण, लवण तथा जल कहते हैं। लेकिन लवण दे चाहे जल कहे, नो प्रॉब्लम, लवण ही देता है, इसलिए ऑप्शन लवण इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, लवण का स्वाद कैसा होता है? भाई नमकीन होता है, खट्टा होता है कि कड़वा होता है, कैसा होता है? तो भाई लवण का स्वाद नमकीन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो भी हो आपको नमकीन मारना है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? भाई 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन, यहाँ तो लिखा नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर से फ़ायदा होना चाहिए ना। अब आप तब क्या करते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही ऑब्जेक्टिव कराया जाता है बोलते हैं ये ऑनलाइनर है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ये सब ये है ना, जितना जल्द हो सके जल्दी जल्दी मतलब स्पीड में करके देख ले। अरे यार, मान के चलो कि कोई क्वेश्चन के साथ अगर हम आंसर को बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो दिमाग में बैठाइए यार, पूरे लॉजिक और ट्रिक के साथ मैं समझा रहा हूँ। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, कौन कौन? एक मानव और एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक सूचक, ठीक है ना। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि मान के चलिए कि मानव निर्मित जो है ना, मानव निर्मित सूचक
कौन कौन है और प्राकृतिक सूचक कौन कौन है ये कमेंट करके आप हमें बताइए, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं खुद बता दूंगा, कमेंट में ही आपको रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ देखिए 15 एसिटिक अम्ल पाया जाता है तो सिरका में पाया जाता है। ये देखिए इससे रिलेटेड खूब जो है ना बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, मिथाइल ऑरेंज जब किसी अम्लीय पदार्थ को रखा जाता है, देखिए मिथाइल ऑरेंज पर जब किसी अम्लीय पदार्थ को रखा जाता है तो उसका रंग हो जाता है कैसा, तो गुलाबी हो जाता है भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है भाई, तो नारंगी होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मिथाइल ऑरेंज पर जब किसी क्षारीय पदार्थ को रखा जाता है तब उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका रंग हो जाता है बिल्कुल पीला, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर की, फिनोफ्थेलिन का रंग कैसा होता है। फिनोफ्थेलिन ये एक सूचक है, ठीक है ना, फिनोफ्थेलिन तो वो होता है रंगहीन, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि फिनोफ्थेलिन पर जब किसी अम्लीय पदार्थ को रखा जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो रंगहीन हो जाता है, ठीक है ना। अब आइए फिनोफ्थेलिन की बात करें। अच्छा आप हमें कमेंट करके बताइए कि फिनोफ्थेलिन प्राकृतिक सूचक है मानव निर्मित है, जब किसी क्षारीय पदार्थ को रखा जाता है तो उसका रंग हो जाता है गुलाबी हो जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर की, लिटमस के विलयन का रंग कैसा होता है, तो भाई बैंगनी होता है भाई। अब आप ये भी बताइए कि लिटमस प्राकृतिक सूचक है कि मानव निर्मित है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, पाया जाता है किस में, तो नींबू और नारंगी में। और मैंने ट्रिक बताया था कौन सा अम्ल किस फल और किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रिक आप इसी प्लेटफॉर्म पर उसे शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, और लॉन्ग वीडियो में भी कंटेंट वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी केमिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया है, तो आप उस वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़े होंगे समझे होंगे तो बिल्कुल इसका आंसर सही आप लगा के जाएंगे। सुनिएगा साइट्रिक अम्ल ट्रिक, तो देखिए नानी ने ट्रिक बताई, तो नानी ने ट्रिक बताई, तो नानी से ना से आ जाए नारंगी, अन्नी से आ जाए नींबू, और ट्रिक बताई तो ट्रिक से हो गया साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा जो है ना ट्रिक है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, तो भाई मालिक सेब खाता है, ओ मालिक सेब खाता है, इसका मतलब ये हुआ कि मैलिक अम्ल जो है ना सेब के अंदर पाया जाता है, यानी सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। अच्छा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, टार्ट्रिक। अच्छा देखते हैं ना भाई, टर 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 करते हैं लगता है, जो भी लड़कियाँ खाती हैं ना ज़्यादा इमली खाती है, एकदम टक टक करती है, बोलती है एकदम टाँ टाँ बोलती है, तो ट्रिक से हो जाएगा, ठीक है ना, टार्ट्रिक, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, इमली खाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ गलती से टनाटर लिख दिए है लेकिन कोई बात नहीं, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा देखिए सुनिएगा, टमाटर हो चाहे अमरूद हो भाई, उसको जाली के अंदर रख दो, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो जाली से ऑक्जेलिक याद रहेगा, और टमाटर अमरूद हो इसमें क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई ब्यूट्रिक अम्ल। भाई मक्खन जैसे कौन दिखता है जो, अच्छा देखिए मक्खन जैसे दिखने का मतलब ब्यूटी से रिलेटेड होता है, इसलिए ब्यूट्रिक अम्ल मक्खन से रिलेटेड होता है, तो ब्यूट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, मक्खन में, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला, वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई एस्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। अमरूद में देखिए, अभी हम थोड़ा देर पहले यही बोल रहा था कि अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आप हमारे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनकर समझकर आंसर जो है ना याद कर रहे होंगे ना, तो गारंटी के साथ कह रहे हैं इस लेसन से जितना भी ऑब्जेक्टिव है, एक भी ऑब्जेक्टिव अब आपको दूसरा कोई और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी आप देखेंगे तो झट दें आंसर बता देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ के पूरा का पूरा जो है ना लेसन 2 से जितना भी ऑब्जेक्टिव है पूरे का पूरा मैं क्लियर करा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जितना भी टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव बन गया था मैं टोटल आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि देखो टमाटर हो चाहे अमरूद हो, उसको जाली में रखो, क्या है जाली में रखोगे तो हवा लगेगा ना तो तनिक फ्रेश रहेगा, नहीं तो जाली में नहीं रखोगे ना तो सड़ जाएगा, बोरा वोरा में रखोगे तो, इसलिए जाली से ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, और अमरूद और टमाटर को जाली में रखना है इसलिए अमरूद और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगला, दही में कौन सा अम्ल है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बाबू। यहाँ देखिए चिट्टी या मधुमक्खी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई फॉर्मिंग अम्ल। अच्छा देखो चिट्टी या मधुमक्खी को फॉर्म के अंदर रखो यार, नहीं तो बाहर निकलेगी तो डंक मारेगी, अरे यार तो उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिंग अम्ल। इसीलिए तो हम क्या है एक ट्रिक बताए हैं ऑलरेडी हम अपने कंटेंट वाली वीडियो में, और मैं फिर आपके बीच शेयर कर रहा हूँ, चींटी और डंक
देखो चींटी के डंक से या मधुमक्खी के डंक से अगर बचना है ना, तो चींटी और मधुमक्खी को फार्म के अंदर रखा, फार्म में इसका भी एक फॉर्म होता है जिसमें चींटी और मधुमक्खी का पालन किया जाता है। तो मान करके चलो कि चींटी और मधुमक्खी का एक फॉर्म होता है, फॉर्म हाउस होता है, तो भाई फॉर्म के अंदर ही रखो ताकि वो डंक ना मारे। तो फॉर्म से फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। चींटी या मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं अगला 34 नंबर क्वेश्चन, जैतून के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? भाई ओलिक अम्ल पाया जाता है भाई। प्याज और आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हो गया एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, किस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है? तो भाई अम्लीय पदार्थ का, याद रखिएगा 0 से लेकर 7 के बीच में ये टोटल क्या होता है, 7 से कम और 0 के बाद, मतलब 0 से 7 तक काउंट कर लो तो 7 के नीचे जितना भी होता है ना वो उसका क्या होता है ना, उसका नेचर अम्लीय होता है और 7 पर उदासीन हो जाता है। 7 के ऊपर और 14 के नीचे यानी 14 तक ही होता है, तो 7 और 14 के बीच में जितने भी पदार्थ का पीएच मान आएगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो भाई क्षारीय का। अमाशय रस का पीएच मान कितना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.0, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ बताया नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.5। देखिए पीएच मान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है जो सबसे ज़्यादा चांसेस अमाशय से पूछता है कि अमाशय का पीएच मान या जठर रस का पीएच मान कितना होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। सिरका का पीएच मान कितना होता था? 3.0, ठीक है। उसके बाद से टमाटर का रस का पीएच मान तो 4.1, पसीना का पीएच मान 4.5, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6, ये सब लाइन बाय लाइन से याद रखिएगा। अच्छा, पेशाब का पीएच मान 6.0, दूध का पीएच मान 6.5, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा अम्लीय नहीं होता है क्योंकि ये 7 के करीब है। शुद्ध जल का पीएच मान यहाँ पर देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान तो 7.0 यानी 7 ही होता है, तो मान के चलिए उदासीन होता है। आंसू का पीएच मान 7.3, मानव रक्त का पीएच मान 7.4। तो देखिए मानव रक्त भी जो है ना, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये मानव रक्त वाली जो है ना मस्ट VVI है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद कर ही लीजिएगा। अच्छा देखिए, पित्त रस का पीएच मान 7.5 से 8.8 यानी पित्त रस क्या होता है ना, क्षारीय, ठीक है ना। चूना जल का पीएच मान 11 होता है, ठीक है ना, ये भी क्षारीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अभिक्रिया कर बनाता है क्या चीज़, बताइए, कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। किस लवण में, ठीक है ना, रवा जल नहीं रहता है? तो भाई बेकिंग सोडा में नहीं रहता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिए, हमारे देश में कितना प्रतिशत साधारण नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो 95%, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो सबसे पहले पोटेशियम होता है, और मैं आपको ऑलरेडी, ठीक है ना, अभिक्रियाशील धातु को एक जितना भी, मतलब मान के चलिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो आपके बुक में दिया हुआ है, जितने भी अभिक्रियाशील धातु यानी ऊपर से लेकर के नीचे और नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, ये ऑलरेडी इसका ट्रिक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से और लॉन्ग वीडियो में जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ तो उसमें भी बताया हूँ बाबू। उस जो है ना अभिक्रियाशीलता श्रेणी के ट्रिक को आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत काम आता है। अगर आपको विस्थापन अभिक्रिया को सॉल्व करना होता है या द्विविस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप मान के चलिए कि इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, केमिकल रिएक्शन को सॉल्व किया जाता है, या फिर आपसे पूछ दें ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अभिक्रियाशील धातु है, कोई ज़रूरी नहीं कि पोटेशियम ही पूछेगा, मान के चलिए पोटेशियम छोड़ करके बेरियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ये सब पूछ देगा और पूछेगा इसमें से कौन है जो सबसे अभिक्रियाशील धातु, और लिख देगा उनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होगा इनमें से कोई नहीं, उनमें से भी किसी एक को चुनना होता है। तो याद रखिएगा इसका एक ट्रिक बताते हैं, कबासना 5 mg, सुनिएगा कबासना, ठीक है ना, 5 mg। तो जानते हैं के से पोटेशियम, बी ए से बेरियम, ठीक है ना, और सी ए से कैल्शियम, ठीक है ना, एन ए से सोडियम, और mg 5 mg से हो गया, mg से मैग्नीशियम, 5 को नहीं लेना है, तो mg से हो गया मैग्नीशियम, यानी सबसे पहले कौन आता है, पोटेशियम आता है, पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु। और ठीक है ना, हाइकप प्लेटिनम गोल्ड लास्ट वाला बताए थे, तो गोल्ड का क्या है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, यानी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो हवा और नमी के संपर्क में आकर खराब नहीं होता है, इसीलिए उसको ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रिक आप जरूर देख लीजिए। और इस लेसन का सबसे लास्ट प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि कौन सा धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने लेक्चर में यही चर्चा कर रहा था कि सोना, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए विद्युत का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा सुचालक कौन है, तो भाई चांदी सिल्वर होता है, Ag, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके आज के इस लेसन में मैंने सेकेंड लेसन से जितना भी टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव बन गया, मतलब ये देखने के बाद आपको दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल लगा होगा। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट और यूजफुल लगा होगा ना, तो कम से कम गुरुदक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे होगा ये कि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, तभी जा करके अनसब्सक्राइबर के पास पहुंचेगा। तो क्यों ना इसका फायदा उठा ले कि पहले से ही सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और तो और गुरुदक्षिणा के रूप में एक और चीज़ आप सभी से मांगना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील आग्रह और गुजारिश करना चाहूँगा कि गुरुदक्षिणा के रूप में इस वीडियो को आप लिंक उठाइए और लिंक लेकर के आप अपना व्हाट्सएप वगैरह चलाते होंगे तो उस पर शेयर कर दीजिए, ताकि आपसे जुड़े जितने भी आपके फैमिली में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी होंगे, क्लास टेंथ की तैयारी करने वाले होंगे, इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकेंगे और क्लास टेंथ का जो बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है इसका वो फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।